नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बैंकों की लापरवाही के कारण कई बार आम नागरिकों को ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप जल्दबाजी में घर से अपना एटीएम कार्ड उठाकर निकले होंगे कि पास के एटीएम से तुरंत कैश निकाल कर ले आते हैं, लेकिन जब आप एटीएम में जाते हैं तो गार्ड या तो बाहर से ही हाथ जोड़कर आपको दूसरे बैंक में जाने की नसीहत दे देते हैं या फिर आपका समय एटीएम में कार्ड डालने में बर्बाद होता है और नतीजा आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जिसको सुनने वाला अभी तक कोई भी नहीं था। लेकिन अब लोगों को हो रही समस्याओं को आरबीआई ने समझा है। यही कारण है कि आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम में पैसा निकालने के इरादे से जाता है और उस एटीएम से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है तो इसका हर्जाना अब उस एटीएम के बैंक को भुगतना होगा। जी हां, आपने सही सुना, एटीएम में पैसे नहीं रखने के आरोप में बैंकों को सजा मिलने वाली है। आरबीआई ने इस बाबत साफ कहा है कि लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह तय किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से एक महीने में अगर किसी बैंक का एटीएम 10 घंटे से अधिक समय के लिए खाली पाया जाता है तो सजा के तौर पर उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर आरबीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें आसान शब्दों में कहा गया है कि एटीएम में फिक्स टाइम पर पैसा नहीं डाले जाने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई की यही कोशिश है कि अगर एटीएम में कैश नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक खुद ले। बैंक इस बात की जिम्मेदारी उठाए कि अगर आम नागरिक की परेशानी बढ़ रही है तो बैंक समझे कि उनकी गलती के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जब बैंक पर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि उसे एटीएम में कैश किसी भी हाल में डलवाना ही है, ना कि लापरवाही करनी है। ज्ञात हो आरबीआई ने यह फैसला कैश आउट के कारण एटीएम के डाउन टाइम की समीक्षा के बाद लिया है। आरबीआई की तरफ से दिए गए फैसले के अनुसार किसी बैंक के एटीएम में एक महीने में 10 घंटे तक कैश नहीं होगा तो वैसी स्थिति में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बैंक एटीएम में कैश डालने के लिए किसी कंपनी की सुविधा ले रही है तो भी जुर्माना बैंक को ही देना होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैंक कैश डालने के लिए किसी कंपनी को हायर करती है, ऐसे में ये सीधे सीधे बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि किसी भी हाल में आम नागरिकों को हो रही परेशानी का खामियाजा हालांकि बैंक को ही भुगतना होगा, लेकिन बैंकों को यह छूट दी गई है कि अगर बैंक कैश डिपॉजिट करवाने के लिए किसी कंपनी का सहारा ले रहा है तो बैंक अपना जुर्माना भरने के बाद कंपनी की लापरवाही के लिए हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी को बाध्य कर सकता है। हालांकि यह फैसला पूरी तरह से बैंकों पर भी निर्भर करेगा कि वो कौन सा विकल्प चुनते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि 1 अक्टूबर से सभी बैंकों को अब इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि उनके सभी एटीएम में कैश मौजूद रहे, क्योंकि कई बार आम नागरिक बहुत ही इमरजेंसी के समय में बैंक जाता है, ऐसे में बैंक में कैश नहीं रहने पर समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार आरबीआई की तरफ से एटीएम में कैश नहीं होने के लिए बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।